राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज मैं बात करने वाला हूँ नवंबर के महीने के अंदर आप लोग कौन कौन सी सब्जियाँ अपने खेतों में लगा सकते हो जिससे आप लोगों को मोटा मुनाफा हो। मेरे किसान भाइयों, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ आप ज़्यादातर लगाया करो आप, जिससे किसी न किसी सब्जी का भाव आपको मिले। इसी तौर पर नवंबर के महीने के अंदर सब्जियाँ कौन कौन सी लगेगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली सब्जी लगेगी हरी मेथी, पहले नंबर की है हरी मेथी, दूसरी है दाना मेथी, तीसरे नंबर की सब्जी है पालक, चौथे नंबर की है हरा धनिया, पाँचवें नंबर की सब्जी है पालर, छठे नंबर की सब्जी है गाजर, सातवें नंबर की सब्जी है मूली, आठवें नंबर की सब्जी है सरसों। सरसों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, सरसों का साग बनता है। नौवां महीने की सब्जी है बथुआ, दसवां नंबर की सब्जी है लहसुन, ग्यारह नंबर चकुंदर, बारह नंबर पे आ जाती है शलगम, तेरह नंबर पे है हरी प्याज, चौदह नंबर पे है ब्रोकली, पंद्रह नंबर पे है पत्ता गोभी, सोलह नंबर पर है फूल गोभी, सत्रह नंबर पर है शिमला मिर्च, अट्ठारह नंबर पर हरी मिर्च, उन्नीस नंबर पर है टमाटर, बीस नंबर पर है पुदीना और इक्कीसवें नंबर पर है मटर। नवंबर के महीने के अंदर आप 21 सब्जियां आराम से लगा सकते हो। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, टमाटर मिर्च और मटर इन तीनों सब्जियों का सर्दी से विशेष प्रकार से ध्यान रखें, चाहे आप नर्सरी कर रखे हो चाहे डायरेक्ट खेत में लगा रहे हो। तो सर्दी से इन तीनों सब्जियों की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, चाहे लोटलन के माध्यम से ले लो आप, चाहे महिलाओं की साड़ी लगा के। और ये नवंबर के महीने के 21 सब्जियां आप लगाओ, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, आप वीडियो देखते हो परंतु इसको लाइक भी किया करो। आप वीडियो पर लाइक का निशान रहता है तो लाइक कर दिया करो इसको, और रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होता है तो सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर जरूर कर दिया करो आप, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो रेड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे मेरे वीडियो रेगुलर जितने भी वीडियो है मेरे आपको समय समय पर मिलता रहे। ये मेरा जो चैनल है ये किसान हित के अंदर ये काम करता है बिल्कुल, और इस चैनल को जितना आप बढ़ाओगे आगे उतना भारत का किसान आगे बढ़ेगा, ये मेरी भावनाओं से चलन बना हुआ है। तो आप नवंबर के महीने के अंदर ये 21 सब्जी आप लगा सकते हो, इनमें भरपूर आपको मतलब प्रोडक्शन भी मिलेगा तो इसके इनके भाव भी मिलेंगे। परंतु मेरा कहने का ये मतलब ये है, अगर आप एक एकड़ सब्जी लगा रहे हो तो उस एक एकड़ के अंदर तीन या चार प्रकार की सब्जी लगाएं, जिसमें क्या होगा आपको किसी न किसी सब्जी का भाव जरूर मिलेगा, और ऑर्गेनिक तरीके से करें, खर्चा ना के बराबर खर्चा हो सब्जी के अंदर और प्रॉफिट पूरा लो आप। तो ऑर्गेनिक जैविक प्रकार से ही सब्जी आप लगाओ। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।